से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवाकर कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्काई में गर्ल की फोटो, जो लड़की वाली फोटो होती है, वो परी वाली दोस्तों, वो किस तरीके से लगाई जाती है, किस तरीके से एडिटिंग करी जाती है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और बिना आप लोगों करे बोर हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। सिंपली हमें प्रेस वाला आइकन जो है वो क्लिक कर लेना, उसके बाद 9.16 का जो ये बॉक्स है इस पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद सिंपली हमें जाना है मीडिया पे, मीडिया पे क्लिक करने के बाद हमें करना है जो हमने वीडियो शूट कर रखी है दोस्तों, ऐसी कुछ इस तरीके की वीडियो आप लोगों को भी शूट कर लेनी है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो ये मेरी वीडियो है ये दोस्तों आ चुकी है, तो ये कुछ इस तरीके की वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरीके की वीडियो जो है वो शूट कर लेनी है। उसके बाद सिंपली वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा कलर फिल्टर पे। कलर फिल्टर पे जाने के बाद दोस्तों आप नीचे स्लाइड करते जाएंगे तो आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे एक ब्लू कलर दिखेगा और रेड कलर दिखेगा, जो ब्लू वाले के ऊपर है ग्रीन वाला हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली हमें वीडियो को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद हमें जाना होगा कलर एडजस्टमेंट में। कलर एडजस्टमेंट में जाने के बाद हमें वीडियो को कुछ इस तरीके से एडिट करना होगा जिससे हमारा जो स्काई है वो ग्रीन दिखे। तो दोस्तों हमको उस तरीके से कुछ कर लेना है अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे मेरी वीडियो जो वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो यहाँ मैं डन कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से ये वीडियो है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों लास्ट में जो साउंड कम हो जाता है वो साउंड कम ना हो तो उसको यहाँ से फेड आउट कर देता है तो वो डन कर देता है, हमारा जो लास्ट में साउंड है वो कम नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम एक्सपोर्टिंग कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो जो है दोस्तों वो एक्सपोर्टिंग हो चुकी है कम्प्लीट। तो दोस्तों सिंपली क्या करना है, हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद हमें फिर से दोबारा वही ऑप्शन चूज़ करना है, सब कुछ वैसा ही है सेम। उसके बाद सिंपली मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों क्या होगा, हमें सबसे पहले जो हमने गर्ल वाली वीडियो है वो हमें अपना इसमें ले लेनी है। जो भी आप कोई सी भी वीडियो टिकटॉक से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं अपनी ये वाली वीडियो लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी वीडियो आ चुकी है दोस्तों। उसके बाद मुझे सिंपली लेयर में जाना होगा। लेयर में जाने के बाद दोस्तों मुझे अपना जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया था वो वाली वीडियो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर वो वाली वीडियो मेरी आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, तो हम वीडियो को अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये वीडियो मेरी जो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रोमा की अनेबल कर देना है। तो दोस्तों अभी ये कुछ इस तरीके का हो गया है। उसके बाद सिंपली मैं आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों डबल साउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने भी जो मेरा ये फोटो वाली वीडियो है उसका मैंने साउंड अभी बंद नहीं किया, क्योंकि ये भी मैंने टिकटॉक से डाउनलोड किया था। तो अभी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ फिर दोबारा से। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल ये कुछ ज़्यादा ही मेरी फ़ोटो जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ रही है, तो मुझे थोड़ा सा छोटा कर लेना होगा। तो आप भी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है ये। तो देख सकते हैं अभी लास्ट में जो साउंड है वो कम हो रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, अपना जो स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन वाला जो वो वीडियो है उसको हमको साउंड को थोड़ा सॉरी ये जो ग्रीन वाला है हमारा, सिंपली जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था यहाँ पे हमें सेटिंग के निशान पर जाना और फेड आउट है उस पर अनेबल कर देना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो उसका साउंड आएगा वो लास्ट तक सही रहेगा। तो कुछ इस तरीके का दोस्तों जो हमारा वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वीडियो है तो मैं इसको काट देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीजर पे जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर देना। तो ये वीडियो जो हमारा है बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसा बनाइए और टिकटॉक पर डालिए, हो सकता है भगवान चाहे तो आप वायरल हो सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने कितनी आसान तरीके से इस वीडियो को एडिट करके आप लोगों को दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया होगा तो भाई एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।